How are you feeling after the trip? Relaxed. But a bit sad also. भाई इतनी ठंड में यहाँ पे कपड़े उतार के रहना ही बहुत बड़ी बात है. और मोहित भाई डुबकी लगाने जा रहे हैं एंट्री मारते हुए. ओ भाई सही में मार दिया भाई. इस समय माइनस 14 डिग्री. हाथ ऐसा लग रहा है जैसे जम चुके हैं. तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्पीति ट्रिप का डे 5 है और मेरी हालत पहले से भी बता चुका हूँ, हालत खराब है, पर फिर भी ब्लॉग्स तो बनाने पड़ेंगे. और अभी हम लोग जहाँ पे रुके हैं वो एक होम स्टे है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, तो बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए. तो अभी हम आपको दिखाते हैं बच्चे कैसे यहाँ पे आके पढ़ते हैं. और यहाँ भाई रात में बता दूँ -22 डिग्री तक गया था भाई, सोच सकते हो -22 डिग्री. चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बच्चे कैसे आते हैं क्या करते हैं. ये देखो आशीष भाई आ गए अपने भाई. ये देखो ये ऐसे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं. एक छोटी सी लाइब्रेरी टाइप की है. ये देखो छोटे छोटे बच्चे क्यूट से एकदम. हेलो हेलो प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे देख सकते हो. ये देखो जॉर्डन भाई के अंदर जान आ गई वापस से. आप में भी तो मेरे में भी भाई. हाँ अभी लंच टाइम हो रखा है और हमें मिला हुआ है अभी इस समय एप्रिकॉट मंचूरियन और ये फ्राइड राइस. ये मुझे जो मंचूरियन मिला हुआ है, मंचूरियन तो नहीं कह सकते बट हाँ जो भी है अच्छा लग रहा है. हालत ख़राब है पर फिर भी खा रहा हूँ. तो दोस्तों हम जा रहे हैं चिचम बीच अभी, और अभी हमारे जहाँ होम स्टे हो रखा है वहाँ से इसका व्यू देखिए कितना सुंदर व्यू है. और हो सकता है चिचम ब्रिज के बाद हम लोग सनसेट पॉइंट पर भी जाएँ अगर टाइम रहा तो. इस वक्त हम हैं चिचम ब्रिज पर और ये आप देख सकते हो कितना बढ़िया वेदर हो रखा है यहाँ पे. और सामने से अभी लाइट आ रही थी जैसे हम पहुँचे चली गई, और अभी सारे लोग यहाँ पे फोटोज़ खिंचवा रहे हैं क्लिक करा रहे हैं. तो अभी हम ग्रुप फोटो के लिए ऊपर जा रहे हैं, फिर आके यहाँ का थोड़ा बहुत वीडियोस बनाएंगे रील्स बनाएंगे. कह रहा हूँ मोहित भाई कहाँ चला रहे हो हम लोग को. अच्छा देखो भाई व्यू के लिए चढ़ाई यहाँ करनी पड़ती है. ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से चीचम ब्रिज का व्यू अलग ही आ रहा है. खुल नहीं रहा था अब खोला हूँ. ये देखो क्या हाइट पे लग रहा है यहाँ से. अभी तुम्हारे नीचे से दिखाऊंगा ना तब ज्यादा वो हाइट पे लगेगा. ये देखो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ स्पीति ट्रिप. और आज हम निकलने वाले हैं नौको की ओर, और जैसे ही निकलने वाले थे अभी हमें पता चला है कि स्नोफॉल हो रही है. स्नोफॉल पता है कहाँ हो रही है, वो देखो यहाँ से आप देखो कि वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है. और हम लोग यहाँ पे हैं, लग रहा होगा पास में है पर पास में नहीं भाई, बहुत दूर है. तो अभी इस समय हम पहुंच चुके हैं लिंकी वाटरफॉल पे, और मोहित भाई ट्राई करने जा रहे हैं थोड़ा डुबकी लगाने के लिए. मेरी हिम्मत नहीं है, कोशिश करता हूं अगर कर पाऊंगा तो. इतना बढ़िया व्यू है, क्या बात है भाई. तो दोस्तों मोहित भाई ने चैलेंज लिया है डुबकी लगाने का इस वाटरफॉल में. देख के तो मुझे भी हिम्मत लग रही कि मैं भी लगा सकता हूँ, पर तबीयत ख़राब है. देखते हैं वो लगाएंगे तो मैं भी ट्राई करता हूँ. ठंड लग रही है भाई, क्या गजब नज़ारे हैं ये देखो, क्या गजब नज़ारे हैं. ओहो भाई पानी की कितना क्लियर दिख रहा है. और ये देखो ये फ्रोजन लेक है, पूरी पूरी फ्रोजन है. तो दोस्तों मोहित भाई रेडी हो चुके हैं देखो डुबकी मारने के लिए. भाई इतनी ठंड में यहाँ पे कपड़े उतार के रहना ही बहुत बड़ी बात है. और मोहित भाई डुबकी लगाने जा रहे हैं एंट्री मारते हुए. ओ भाई ओ भाई सही में मार दिया भाई. अरे भाई इस समय -14 डिग्री काजा में. तो मोहित भाई नहाने के बाद कैसा लग रहा है आपको. एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया. हाथ ऐसा लग रहा है जैसे जम चुके हैं, हल्का हल्का ब्लड जमना स्टार्ट हो चुका है. इतनी हिम्मत लाते कहाँ से हो. अरे बस ऐसे ही पागल करना. यहाँ पे हम ग्लव्स शूज सब कुछ पहने हैं फिर भी ठंड लग रही है. और मोहित भाई ने डुबकी लगा दी भाई, बहुत बड़ी बात है -14 डिग्री टेम्परेचर में, वो भी इस पानी में.
तो दोस्तों अभी हम लोग रास्ते में रुके हुए हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कि पहले जब ये ब्रिज व्रिज नहीं बना था तो लोग कैसे इस नदी को पार करते थे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो रखा हुआ है ये सामने ये ट्रॉलीज आती थी और उसी से उस पार हम जाते थे। पहले चीचम ब्रिज भी ऐसा ही था पर अब फिलहाल वहाँ पे ब्रिज बन चुका है। तो अभी हम रुके हुए हैं नारकंडा पर और शिमला पहुँचने ही वाले हैं। तो हमने देखा कि ये एक सुंदर दृश्य दिख रहा है यहाँ पे, तो उसी को कैप्चर करने के लिए हम आए। ये देखो क्या व्यू है भाई। ये देखिए हमारे इंडिया के बियर ग्रिल्स आग जलाते हुए। तो दौड़ते भागते किसी तरीके से हम लोग पहुंच चुके हैं शिमला बस स्टैंड पर। बस निकल चुकी है, हम पहुंचेंगे सुबह 7:30 के अराउंड दिल्ली और फिर उसके बाद निकलेंगे लखनऊ के लिए। थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, दिल्ली में शॉपिंग कर लेंगे, खा पी लेंगे जो कसर बची हुई है, फिर उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। और उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट है वो मैं जल्दी बताने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून रहिएगा। तो शशांक भाई हमें कुछ खिलाने वाले थे, एप्पल लाए हो। एप्पल है? कौन से एप्पल नहीं है बता तो दो लोगों को। ये किन्नौर के स्पेशल एप्पल। अच्छा अच्छा, हम लेकर आए हंगो से। कहाँ से? हंगो। पर तुम इसका इस्तेमाल कहीं और करने वाले थे, मुझे पता नहीं लगा। मतलब अभी रखा है, सब कुछ अच्छा गया तो फिर खा लेंगे, नहीं तो फिर शाम भाई कहीं और जाएगा। ये एप्पल का इस्तेमाल मैं बताऊँ क्या करने वाले थे, ये एप्पल को ऐसे पकड़ के कह रहे मैं अगर रोका नहीं बस वाला ना ठोक दूंगा शीशा, है ना, ये बोल रहे थे ना। तो यही करने वाले हैं शशांक भाई। तो अभी भाई रात के 12 बजे हमारा डिनर हो रहा है। शुभम भाई फोटो वोटो ले रहे हैं, थोड़ा फैंसी सा रेस्टोरेंट है तो हम ट्राई करने जा रहे हैं इनका बर्गर। अच्छा तो लग रहा है यार, प्रेजेंटेशन भी अच्छी है। अब देखते हैं कैसा होना है खाने वाले में। भूख बहुत जोर से लगी थी, ये ड्राइवर बहुत बदतमीज है भाई। ड्राइवर नहीं मतलब जो कंडक्टर है वो भी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और अब इनका खाना ट्राई करते हैं फिर आपको बताते हैं कि अगर आप इस रूट पे आ रहे हो तो इनके रेस्टोरेंट पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अभी हम जहाँ रुके थे मैंने कहा था आपको खाने का टेस्ट बताऊँगा, गोल्डन हट नाम था और काफ़ी अच्छा प्राइस पे अच्छा चीज़ था। मतलब बर्गर जो था वो मैकवेजी से भी अच्छा था भाई, सही बताऊँ तो। क्यों सही बोल रहा हूँ ना, सच्ची में। मतलब चाय और चाय तो चाय भी अच्छी थी। कैसे लेके आए? कोई पेड प्रमोशन कुछ नहीं है, आप खा के देखना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। 100 रुपए का बर्गर, 30 रुपए की चाय, और क्या लोगे भाई। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड दिल्ली और अभी हम जा रहे हैं अपने कजिन के यहाँ और फिर उसके बाद कुछ दिल्ली की चटोरी गलियाँ घूमेंगे यार, खाएं पियेंगे भटूरे कुलचे जो भी है नान। और इस समय हमारे साथ हैं अलका जी। हाउ यू फीलिंग आफ्टर द ट्रिप? रिलैक्स्ड बट अ बिट सैड आल्सो। ट्रिप हैज कम टू एन एंड बट इट वाज एन अमेजिंग 7 डेज ऑफ एडवेंचर। हां ये तो है, बट हम लोग को मतलब स्नोफॉल नहीं मिला बट कोई नहीं, मजा आया एक्सपीरियंस। -22 डिग्री तक हमने एक्सपीरियंस किया पर्सनली। हालत तो मेरी ज्यादा खराब थी पर इन्होंने ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि ये मतलब एक लड़की हो के हमसे आगे हमेशा निकल जाती थी। मतलब ये कोई वो नहीं बोल रहा हूँ मैं कोई एक पर्सनल जेंडर को बोलने का, बट फिर भी काफ़ी एक्टिव थी। पर अभी लग नहीं रही कि ये एक्टिव है, अभी भी ऐसा देखो आप लगता है ये एक्टिव है। ये बहुत काम सी थी पूरी ट्रिप पे। तो अब दिल्ली पहुँच चुका हूँ, बस लखनऊ पहुँच के फिर मेरे को आराम मिलेगा। आज तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा फूड टूर कर ही लूँ दिल्ली का और खासकर रोहिणी का। रोहिणी का फूड टूर करना मस्ट ट्राई है भाई, अभी तो बहुत सारी चीजें रोहिणी में मतलब अनएक्सप्लोर्ड है मैं कहूंगा।